सो थैंक यू फॉर 5 के सब्सक्राइबर माई यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इस तरह की वीडियो बनानी है। सबसे पहले आपको ये 4 के वीडियो आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो मोर बटन पे मैंने सारी वीडियो का टाइटल दे दिया, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके डाउनलोड कर लेना। फिर आपको ये वीडियो को कैमास्टर ऐप के अंदर इसे इम्पोर्ट कर लेनी है। जिस तरह से ये इतना सीन है, ये सीन आपको ले लेना है। ये इस तरह से सीन लेके इसे कट कर देना है, जिसकी एक डुप्लीकेट बना लेनी है। इसको थोड़ा सही से करके इस पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट लेयर ले लेनी। फिर आपको जाके यहाँ पे रिवर्स कर देना है, ये दूसरी लेयर को आपको रिवर्स कर देना है, दूसरी वीडियो को ये रिवर्स हो गई। फिर आपको मीडिया पे जाके अपनी डॉक्टर स्ट्रेंज की वो प्रोटेल ले लेना है, लेफ्ट साइड वाली। तो मैं मोर बटन पे दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको लाइटन करके इसको थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन को हटा देते हैं। फिर इसको थोड़ा सेकंड वाले ऑप्शन से एडजस्टमेंट पे जाके सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है। तो आपको छोटा करके थोड़ा इस तरह से घुमा देना है, ये इस तरह से सही से लगा देना कि जिससे ये खुलता हुआ कुछ इस तरह से दिखे, जिससे आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी लगे। फिर आपको अपनी वीडियो इंपोर्ट कर लेनी है जो आपने बना लिया। तो आप लोग देख लेना वीडियो किस तरह से बनानी है, तो आप उसी तरह से अपनी वीडियो बना लेना। क्रोमा का इसे इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देते हैं पूरी सही तरीके से। तो यहाँ पे सही तरीके से रिमूव हो चुकी है। अब आपको उसी जगह पर लगा देनी है आपको अपनी वीडियो को, जहाँ से आप ये नीचे आएगा वीडियो का। तो वीडियो में लगा देता हूँ इस तरह से। फिर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज की बोल की डुप्लीकेट एक ले लेनी है, डुप्लीकेट लेके इसको फुल कर देना है जहाँ से ये आ रहा है ये लेयर। फुल करने के बाद फिर आपको इसको क्रॉपिंग पे जाके आधा क्रॉप कर देना है, आधी पूरी इसी तरह से क्रॉप कर देना है। आपको इसको उसी जगह पे लगा देना है जिससे ये लगे कि ये अंदर से नीचे की तरफ आ रही है। फिर आपको प्लस के आइकन पे लगा के इसको रख देना है। फिर इसको नीचे स्मूथ कर लेना है, ये कुछ इस तरह से दिखेगी आपकी वीडियो। तो अभी मेरा टाइटल ठीक से नहीं लगा तो इसे लगा देता हूँ। ये ठीक से लग गई है, तो वीडियो कुछ इस तरह से बन चुकी है अपनी। तो अब हमको एक इफेक्ट लगाना है इस पर, तो अपन लोग लेयर से मीडिया पे इफेक्ट जो डाउनलोड किए हैं उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये चमकने वाला वीडियो लग गया, तो अपन लोग सकते हैं अब ब्लीडिंग में इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद फिर एडजस्टमेंट पे चलते हैं, तो सेकंड वाले ऑप्शन को थोड़ा बढ़ा देना, तो इससे ये कुछ ज़्यादा रियल दिखे, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसको अब सेट कर देते हैं जहाँ से अपन लोग, तो यहाँ से अपनी चौथी लेयर को ले नहीं रहा है, तो अपन लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ रही। तो अपन लोग पहले एक लेयर को डिलीट कर देते हैं इसी वाले को, और इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट करने के बाद फिर से इसे एडिट करते हैं। तो फिर वही वीडियो पे आ चुका हूँ, तो उसी इफेक्ट को फिर से इम्पोर्ट कर लेना है। उसी इफेक्ट को इम्पोर्ट कर लिया है इस तरह से। तो अब आपको जहाँ से आपका वीडियो में आप नीचे उतर रहे हैं वही जगह पे आपको लगा देना है कुछ इस तरह से। तो ये कुछ ऐसे ही दिखेगा जैसे गायब होके नीचे आ रहा, तो ये कुछ रियल दिखेगा। तो इस तरह से आपकी बन जाएगी, तो वीडियो अपनी बन चुकी। तो आपको बिजली वाला ये करेक्टर है, तो आपको ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड कर लेना है। अब हमको तलवार लगानी है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेनी है ग्रीन स्क्रीन वीडियो। तो यहाँ लेयर से मीडिया पर करके मैं उसी वीडियो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। फिर क्रोमा का ऐप पर जाके इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से वीडियो है, तलवार गायब होके पूरी आ जाती है। तो इस तरह की आपको भी वीडियो को डाउनलोड कर लेना है।
अब इसको इसके हाथ पर सेट करते हैं। तो ये भाई ये धीरे धीरे चल रहा है, क्राइम मास्टर थोड़ा सा लैग कर रहा है, मतलब बग कर रहा है। तो प्रॉब्लम कोई भी हो तो संभाल लेना आप लोग। तो इसके हाथ पे कुछ इस तरह से सेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ रही है। फिर आपको यहाँ पे चाबी के आइकन पे क्लिक करके जहाँ जहाँ इसको मूव करना है वहाँ वहाँ आपको ये प्लस के आइकन से लगा देनी है की को। ये कुछ इस तरह से लगा देनी है। जैसे ही ऊपर को जा रहा है तो इसको एक और प्लस का आइकन करके तलवार वहाँ पे लगानी है। फिर जहाँ ये नीचे की तरफ आ रहा है इस तरह से, तो इधर भी एक प्लस का आइकन करके तलवार को वहीं पे लगा देनी है, जिससे आपकी वीडियो में कोई रियल सी दिखे। तो फिर प्लस से आइकन करके ये पूरी आपको इसी तरह से लगा लेनी है। तो ये हाथ पर सेट कर देते हैं सही से। तो यहाँ पे लग चुकी है हाथ में, आप सही से कर देते हैं। थोड़ी दिक्कत दे रही भाई, तो आप लोग थोड़ा संभाल लेना। तो ये वीडियो अपनी बनके तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सी सकते हैं। तो आपको एक उसका स्क्रीनशॉट ले लेना उसी चीज़ का। फिर आपको कटप्पा का एक PNG निकाल लेना, तो बैकग्राउंड एजर ऐप से निकाल लीजिएगा आप लोग। कुछ इस तरह से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जिससे आपकी वीडियो कुछ रील दिखे। तो मैं कटप्पा की पूरी फ़ोटो कुछ इस तरह से PNG में बना लेता हूँ। फिर इसको लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वीडियो थोड़ी रियल दिखे। तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। तो ये अपनी है फ़ोटो, इसको लगा के छोटी कर देनी। तलवार को छोटी करके कटप्पा के पीठ में कुछ इस तरह से लगा देनी है। ये PNG आपको थोड़ा सेट कर लेना है, जिससे ये थोड़ा रियल दिखे। कटप्पा के पीठ में घुसी है अच्छी तरह से, मतलब लग चुकी है। तो इस तरह से लग गई है कुछ इस तरह से। तो आपको ग्रीन स्क्रीन ब्लड को डाउनलोड कर लेना है, ये थोड़ा इस तरह से ऊपर को लगा देना है आपको उसी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके। तो अपनी वीडियो यहाँ पे बन चुकी, तो आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो किस तरह बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब करें हैं तो उसको ऑल पर सेट कर लेना, जिस तरह से मेरी सबसे पहले वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो में कुछ ख़राब लगा हो या गलत लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा क्या चीज़ इसमें अच्छी नहीं है, जिससे मैं वीडियो और अच्छी बना के लाऊँ आपके लिए। और एक बार फिर से मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि 5K सब्सक्राइबर आपने मेरे कंप्लीट करा दिए। आप लोग मुझको ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, मैं आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ से वीडियो बना के लाता रहूँगा।